अरे मामू लोग, ये तो सारे लड़े, जल्दी से भागना होगा। आओ, ये क्या बल्ला, मुझे डर लग रहा है। मम्मी मुझे बचा लो। ए भैया यहाँ से भागो यार, सारे लड़े मेरे पीछे है भैया। हे भैया आज हम खेलेंगे फॉरेस्ट सायरन सर्वाइवल। भैया और मोन्ना क्या बात कर रहा है, और ये कौन सा जंगल है? और हे भैया देखो ना, हम आज तो भैया बोट से भागना है। आओ क्या बात है बल्ला, पर मुझे सारे नट से बहुत ही डर लगता है, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ में। आओ ओए मन्ना ये क्या है, ओए ये तो एक बोट मिल गई। हे भैया बोट तो मिल गई है मगर सामान नहीं है। ओए मन्ना तो कोई बात नहीं, सामान तो ढूंढ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओए हे भैया जब आप साथ में होते हो तो भैया डर किस बात का। और चल ठीक है मन्ना। और दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो ना तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब तो दबाते ही नहीं हो, वीडियो देख के चले जाते हो। और लाइक के बटन को भी दबा देना, तोड़ देना, फोड़ देना और नींबू की तरह निचोड़ देना। और हे भैया वो सब तो कर देंगे। दोस्तों आप तो मेरे नन्हे से प्यारे से मुन्ने से बहुत ही मस्त वाले दोस्तों, इसके लिए जरूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक को दबा देना। और आज का लाइक हम रखते है 2000 लाइक का, और 2000 लाइक का नहीं और 5000 लाइक का। और बनाइए क्या, और सारे नेट तो इधर आ रहा है और भागना पड़ेगा। और हे भैया अभी से सारे नेट का दर्शन हो गया। और मुन्ना अब क्या करे, और लगता है यहाँ पे छुपना होगा। हे भैया आप तो पहले से ही छुपने लगे हो। और रुक जा मुन्ना, और सारी सामान ढूंढने दे। और मुन्ना ये कौन सा रूम आ गया? तो मामू लोग 300 लेने का नहीं देने को, एकदम टप्पी वप्पी छोड़ के टप्पी मार देंगे। हे भैया ये क्या, ऊपर तो कुछ लटक रहा है भैया। और मन्ना तो बोट का इंजिन मिल गया, और तो कमाल ही हो गया मन्ना, मगर उसको नीचे कैसे उतारेंगे? हे भैया जल्दी से यहाँ पे टच करो, ये भैया अपने आप नीचे आ जाएगा। ये देखो भैया ये भी नीचे आ गया। और कमाल की चीज हो गई, धोती फाड़ के रुमाल की चीज हो गई। दोस्तों इसके ऊपर तक लाइक बनता है, और लाइक जरूर कर देना। हे भैया इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा है, अगर किसी ने भी उसका सही सही आंसर दे दिया ना तो अगली वीडियो में सबसे पहले मैं उसका नाम लूंगा, वो भी अपने पहले वीडियो स्टार्ट होते ही। और ये तो कमाल की चीज हो गई। और दोस्तों अगर जिस किसी ने भी उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, और उसको मैं सबसे पहले शाउट आउट दूंगा। और हे भैया चलो अभी ठीक हुआ, चलो भैया इस इंजन को लेके भैया बोट के अंदर लगा देते हैं, ताकि भैया हमारी बोट चलने लगे। और मुन्ना एक सामान से कुछ नहीं होगा, और लगाना पड़ेगा। और ये देख मुन्ना, और सामान मैंने लगा दी, और इंजन तो फिट हो गया, और एकदम धोती फाड़ के। हे भैया बिल्कुल सही बोला, चलो भैया अभी जल्दी जल्दी से और भी सामान लेते। और मुन्ना अब क्या लगेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बोट में कौन कौन सी सामान लगती है। ए भैया टेंशन मत लो, सब कुछ मिल जाएगा। आओ बिल्कुल सही बोला बिल्ले, ये सारे नेट कहाँ चला गया? ए भैया ये क्या, सारे नेट तो हमारे पीछे ही, भागना पड़ेगा भैया। ओए मुन्ना कहाँ है सारे नेट, ओए मुझे तो नहीं दिख रहा है, ओए तुझे कैसे दिख गया? हे भैया मेरे पीछे ही था। और चल ठीक है, और ये क्या मुन्ना, और दूसरा भी पार्ट मिल गया। और चल मुन्ना इसको भी लेकर चलते हैं बोट के पास में। हे भैया चलो यार, ये तो एकदम कमाल ही हो गया भैया, धोती फाड़ के रुमाल ही हो गया। और हो जाएगा ना रुमाल, और कैसे नहीं होगा। और मुन्ना ये सायरन नेट कहाँ गया? हे भैया मुझे भी पता नहीं, चलो भैया उसको जाने दो यार, हम तो सीधे अपने बोट के पास जाएंगे। और भैया ये वाला भी पार्ट लगा देंगे बोट के अंदर भैया, एकदम मक्खन लगा के। और चल ठीक है, मक्खन लगा के नहीं मुन्ना। ओए आओ पिल्ले जल्दी से चलते बोट के पास और वहां से भाग जाएंगे। आओ हे अभी नहीं भागेंगे यार, अभी तो हमको बहुत ही सामान ढूंढनी पड़ेगी। चलो भैया इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और मुन्ना इंजन तो लगा दिया, और अब कौन सा पार्ट लगने वाला है? हे भैया अभी तो इसके अंदर गैसोलीन कैन भी ढूंढना होगा। और भैया बोट की चाहिए, और भैया हमको चाहिए वायर। और चल ठीक है, और इतनी सारी सामान है वो भी कहाँ से मिलेगी मुन्ना? हे भैया वो सब तो हमको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो ना भैया। और चल ठीक है, और दोस्तों मेरी आप हेल्प करना, और मुझे तो पता नहीं है और सामान। और ये क्या, और सारे नदी इधर आ रहा है। ओ बिल्ला मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मम्मी मुझे बचा लो। हे क्या बात कर रहा है, बाप के बच्चे रुक जाना, तू तो हमको भी डरा रहा है। आओ तो बिल्ला मुझे छुपना होगा, नहीं तो मेरी लाल हो जाएगी। आओ हे कोई नहीं होगी लाल, रुक जाओ ना। हे ये क्या भैया, वो तो सामने ही है। और मन्ना ये क्या हो गया, और हम तो खून से लथपथ हो गए। हे भैया
अभी नहीं हुए हम, रुक जाओ भैया। हे भैया ये क्या हम? ओए मुन्ना स्क्रू ड्राइवर मिल गया, लगता है हमको और इंजन के पार्ट को ठीक करना होगा। हे भैया चलो ठीक है हम, इसके लिए भैया बोर्ड के पास जाना होगा हम, और मुन्ना जाना तो पड़ेगा और चाहे कुछ भी हो जाए। हे भैया हो ना क्या हम, जब आप साथ में होते हो तो भैया मुझे डर नहीं लगता हम, तो चल मुन्ना और मेरे साथ में आ जा, और ये रहा सायरनेट, और मुन्ना इसके सामने से भागूंगा ये देखता जा तू। ओ, क्या बात का मिलने ने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल भी कर दिया, लगता है मुझे इससे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आओ हे मेरे भैया से ट्रेनिंग लिया करो तो जब बिजनेस बॉडी बनेगी। और बनाइए क्या, और अरे नहीं तो पीछे ही आ रहा है, लगता है हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। और मुन्ना हम तो खून से लथपथ हो गए, और जल्दी से यहाँ पे लगा देता हूँ, और जल्दी से लग जा। हे भैया जल्दी से लग जाना हम, हे ये क्या भैया हम तो खून से लथपथ हो गए हम, और मुन्ना जल्दी से भाग ले और ये तो हमारी डक्की चिक्की कर देगा। खिलाड़ी भी आ गया दोस्तों, क्या कर रहे हो, कहाँ पे भागे दौड़े जा रहे हो, मुझे तो जरा बता दो। और लंबू के बच्चे, और हम यहाँ पे कोई खेल खेलने आए, और हमारे पीछे सायरनेट का बच्चा पड़ गया है, और हमको यहाँ से भागना चाहिए नहीं तो हमारी वाट लग जाएगी। हे भैया बिल्कुल सही बोला हम, मगर इस लंबू को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है भैया। और ये क्या, और मुन्ना तो एक शॉर्टकट रास्ता है, चल यहाँ से निकल जाते हैं। हे भैया मगर बीच में तो पानी है, कैसे जाएंगे भैया? और रुक जा मुन्ना, मैं कुछ ना कुछ आइडिया लगाता हूँ। टक चक्के बिल्ले, हम पानी के अंदर तैर कर जाते ताकि हमारा टाइम बच जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। आओ हे कुछ ऐसा ही करेंगे हम, रुक जाओ ना हम, मगर तो बहुत ही लंबा समुंदर है। और मुन्ना कोई बात नहीं, और मैं तो खुद खुद कर ये समुंदर पार कर दूंगा, और मैं तो सात समुंदर भी पार कर दूंगा मुन्ना। हे भैया बिल्कुल सही बोला हम, चलो भैया वो वाला सामने रूम में जाते, पता नहीं इस घर के अंदर क्या होगा हम, और कुछ भी होगा, और मुन्ना जानना तो पड़ेगा। हे भैया यहाँ पे क्या है, चलो भैया यहाँ पे देखता हूँ। हे भैया हम तो यहाँ पे पोकट में आ गए भैया, टाइम वेस्ट हो गया हम, और मुन्ना हमारा तो पोपट हो गया। और ये क्या, और मुन्ना दूसरी गली में जाना होगा। हे भैया दूसरी गली में नहीं, हमको दूसरे वाले रूम में जाना होगा हम, जो के भैया सामने ये। और चल ठीक है, और कोई टेंशन लेने की बात नहीं, और जय कृष्ण फौजी। आओ डॉक्टर चक्के, मेरा नाम है बलवान बॉब, सबकी नींद से सूरत ख्वाब सीधी तरह से आगे देख को छोड़ दे, नहीं तो सारे नेट तेरी बैंड बजा डालूंगा। आओ और बनना ये क्या, और फिर से सारे नेट आ गया, वो भी हमारे पास ही आ रहा है मुन्ना, और जल्दी से भाग मुन्ना। ए भैया मैं तो भाग रहा हूँ, आओ मुझे भी बिल्ला भागना पड़ेगा, मेरी भी टट्टी निकल गई। आओ ए तू तो अभी बोला था मैं बलवान बॉब हूँ, तो अभी कहाँ गए तेरा बलवान बॉब? और चल ठीक है मुन्ना, जाने दो, तो फालतू की बकवास करता रहता है। ओए हे भैया हमको देखो क्या मिला, पिलर मिल गया। ओए मुन्ना ये क्या है, ओए लगता है बोर्ड का पार्ट है, ओए बोर्ड का फैन है। हे भैया बिल्कुल सही बोला, ये देखो भैया मैंने वायर को भी काट लिया, और जंजीर थी वो। हे भैया ठीक है यार, ये देखो भैया मैंने बोर्ड का फैन भी ले लिया, तो चलो भैया जल्दी से भागो। और मुन्ना ये सारे नेट का बच्चा कहाँ से आ गया? अरे मामूलो ये तो कब का सारे बजा रहा है, मेरे तो दिमाग का भेजा हिला दियो, जल्दी से उसको मार डालो। ए पर हमारे पास गन भी नहीं है, सर्किट कहाँ से लाएंगे गन? और मुन्ना कोई बात नहीं, और गन से नहीं मगर दिमाग से मारेंगे, बुद्धि से मारेंगे। और हे भैया मगर ये बोर्ड के पास जाएंगे हम, और इस फैन को लगा के आते हम भैया, उसके बाद में कुछ ना कुछ सोचेंगे हम उसको मारने के लिए भैया। और मुन्ना ये बीच में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भैया ये उसका डैमेज पड़ रहा है ना, इसके लिए भैया स्क्रीन को ऐसा हो रहा है, भैया देखो ना। और चल ठीक है कोई बात नहीं, चल मुन्ना सीधे बोर्ड के पास चल दे। आओ क्या बात है बल्ला, इस फैन को लगा के हम यहाँ से निकल सकते है? नहीं निकल सकते यार, अभी तो हमको और भी चीजें फाइंड करनी होगी। और मुन्ना टेंशन लेने की बात नहीं, और मैं सब चीजें ढूंढ लूंगा। और चल मुन्ना मेरे पीछे आ जा तू। हे भैया मैं तो आपके पीछे आ रहा हूँ दोस्तों, ये देखो सामने सूरज है और इतना बड़ा समुन्दर भैया। और चल ठीक है मुन्ना, और ये लगा दो फैन को इधर, और ये चालू हो जाएगा। हे ये क्या भैया, अभी तो एक डंडा भी लगाना होगा, और डंडा भी लगाना होगा, वायर भी लगाना होगा, और की भी लगानी होगी, कितनी सारी चीज लगेगी बोर्ड के अंदर, और तब जाके ये चलने वाली है। हे भैया ये क्या, ये सारे नेट तो इधर ही आ रहा है, और मुन्ना कोई नहीं आ रहा है, टेंशन लेने की बात मत कर तू। हे भैया चलो ठीक है, हमने भैया ग्रानी कैप्टन तो खेली थी ना, उसमें तो भैया एकदम इजी रहता है भैया बोट स्केप। और बिल्कुल सही बोला, मगर ये तो बहुत ही हार्ड है मुन्ना, पता नहीं ये गेम हम सब वीन होगा या नहीं। हे ये क्या भैया, वो रहा सायरन है भैया, भागो यार।
और वरना सामने देखकर भागा कर, और तुझे चोट लग सकती है। ए भाइयो कोई बात नहीं, मुझे चोट की बिल्कुल नहीं पड़ी है भाइयो, मैं तो सारे नेट से बचना चाहता हूँ। आओ ये क्या बिल्ले, सामने तो घर दिख रहा है, चलो उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं और हमको कोई नहीं देख पाएगा। इसके क्या ओए तू छुपने की बातें मत किया कर, और गेम को विन करने आए हम। हे भाइयो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लगता है भैया दूसरे वाले रूम में जाना पड़ेगा। और मरना यहाँ पे फूल कैन पड़ा है, ओए भैयो फिल कैन को तो नहीं उठा सकते भाइयो, लगता है हमको सामने वाले रूम में जाना होगा। और चल चल ना मुन्ना, और मैं भी तेरे साथ में आ रहा हूँ। हे भैयो चलो यार हमको भाग भाग के जाना होगा, और भाग लेंगे दौड़ लेंगे। और ये देख मुन्ना, और मैंने नदी भी पार कर ली। आओ टक्के टक्के, ये देख बिल्ले सामने वाला रूम दिख गया, अब जल्दी से उसके अंदर छुप जाते हैं। इसके उसका और छुपना नहीं है, और हम तो सामान ढूंढने आए। और चल मुन्ना, और यहाँ पे क्या पड़ा है? हे भैयो पता नहीं क्या पड़ा होगा, और मना यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, और उस वाले रूम में भी कुछ नहीं, और पता नहीं हम कहाँ पे आ गए, और तो पोपट हो गया मन्ना। हे भैयो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है भैया सामान कहाँ पड़ी होगी, और मुन्ना भी एक ही रास्ता है। ए भैया वो कौन सा रास्ता यार, और मुन्ना वो अभी एक और रूम बाकी रह गया ना, उसके अंदर देख के आना होगा। हे भैया वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, और मुन्ना वो वाला नहीं उससे आगे वाला बोल रहा हूँ। हे भैया मगर ये समुन्दर तो पार कर ले, उसके बाद में उधर जा पाएंगे ना। और बिल्कुल सही बोला, और ये क्या मुन्ना चोट लग गई? हे भैया चोट की मत सोचो, हमको तो उधर जाना पड़ेगा भैया, नहीं तो हमारी गेम भी नहीं होगी। और चल ठीक है कोई बात नहीं, और मुन्ना मैं तो काफी थक चुका हूँ, और मुझे पार्टी चाहिए। हे भैयो कोई बात नहीं, पार्टी मिल जाएगी, पहले गेम को विन करो भैयो, और कर लूंगा विन, उसमें कौन सी बड़ी बात है मुन्ना। हे भैयो चलो यार मैं भी काफी थक चुका हूँ भैयो, आओ मैं भी थक चुका हूँ, मुझे भी खाना चाहिए बिल्ले, और मुझे पानी भी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ही प्यास लगी है। आओ हे तुझे प्यास लगी है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हे देखो भैयो मैं सामने वाले रूम में आ गया। ओए मुन्ना ये किसकी आवाज आ रही है? हे भैयो किसी की भी आवाज नहीं है, शांति से भैया गेम खेलो। और चल ठीक है मुन्ना, और ये क्या, और मुझे एक्स मिल गया, और तो कमाल की चीज हो गई मुन्ना। हे भैयो इसको लेके सामने वाले रूम में जाना होगा। और चल ठीक है मुन्ना, उसको मैं लेके सामने वाले रूम में जाता हूँ, मगर मुन्ना वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। हे भैयो लगता है उससे लकड़ी का बक्सा तोड़ना होगा। और ये क्या, और सारे तो इधर ही आ गया, और मुन्ना पतली गली से भाग ले। हे भैयो मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। आओ ये क्या बल्ला, हमारी तो वाट लग गई, जल्दी से इस वाले रूम में चले जाते हैं। आओ और मुन्ना ये क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, और लगता है सामने वाले रूम में जाना पड़ेगा। हे भैयो तो चलो ना यार, वो देखो भैया सामने आ रहा है सारे नेट, भैया इस नदी को पार करके जाना होगा। और चल ठीक है मुन्ना, और ये क्या, और मुन्ना ये तो लाल हो गया, पूरा खून हो गया मुन्ना। हे भैयो कोई बात नहीं, चलो भैयो जल्दी से सामने वाले रूम में चलते हैं, मामू लोग एकदम चलते सीधे वाले रूम में, नहीं तो ये हमारे को मार डालेगो। हे कोई बात नहीं यार, कुछ भी नहीं होगा हमको, बस यहाँ पे खेलते जाओ। और मुन्ना ये आ गया बॉक्स, और इसको तोड़ता हूँ उड़ता हूँ, और अपना 2.5 किलो का मारता हूँ मुन्ना। हे भैयो ये देखो सामान भी मिल गया भैयो, और चल ठीक है उसको लेके मुन्ना और बर्ड के पास आना होगा। हे भैयो चलो यार सामान तो मिल गया, अब सीधे बजा बोट के पास चलते हैं, और भैया उसको लगा के यहाँ से भाग लेते हैं। और चल ठीक है मुन्ना, और हे भैया ये क्या फिर से सारे डर आ गए भैया, आओ बल्ला मुझे बचा लो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, आओ मम्मी ये क्या हो गया। और डर पोक बॉक, और चुप हो जा, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, और सही सलामत तुझे घर पे पहुंचा दूंगा। हे भैया ठीक है यार चलो भैया, ये क्या हो गया, हम तो भैया खून ही खून हो गए। और मुन्ना टेंशन लेने की बात मत कर, और ये देख मुन्ना और सीधे बोट में जा रहे हैं। हे भैया अब तो हमारी इस गेम को विन ही कर देंगे हम, और मुन्ना अगर इसमें कोई शक है ना तो बोल देना, ये गेम तो मैं विन करके रहूंगा, और मैं फौजी हूँ, और मैंने सारी ट्रेनिंग पास की हुई है मुन्ना। हे भैयो चलो ठीक है यार, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मगर गेम विन हो जाना चाहिए भैयो। और मुन्ना और चल ठीक है, और ये क्या, और मुन्ना हम तो समुन्दर के पास आ गए, लगता है अभी थोड़ा ही बाकी है, उसके बाद में बोट दिख जाएगी। और ये देख और बोट भी मिल गई, और मुन्ना सामान लगा के भाग जाते है। हे भैयो लगा दो सामान, आओ बिल्ला मैं बैठ जाता हूँ अंदर। हे अभी मत बैठना, अरे मामू लोग घूम जाओ, अभी पार को लगाने दो उसके बाद में बैठेंगे। हे ये क्या भैयो, अभी तो यहाँ पे फ्यूल भी डालना होगा, और मुन्ना फ्यूल तो भूल ही गए, और चल मेरे आजा पीछे पीछे। हे भैयो
ये क्या यार, आप तो फ्यूल ही बिल गए भैया। और कोई बात नहीं, और ढूंढ लूंगा, और जय किस दफाजी मुन्ना। हे भैया, मगर मेरा चल चल के ठूस निकल गया। अब मैं क्या करूं भैया, मैंने तो कुछ खाना भी नहीं खाया। और ये क्या, फिर से सायरन हेड। और मुन्ना भाग ले भैया, भाग तो रहा। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि सायरन हेड की एज कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगली वीडियो में इसको शाउट आउट मिलेगा। मामू लोग वेट कर क्यों कर रही हूं, जल्दी से कमेंट कर लो। आओ बिल्ला, पर मुझे तो भूख लगी है, प्यास लगी है, खाना भी चाहिए। आओ मम्मी मुझे बचा लो, मैं कहां से फंस गए यहां पे। आओ हे, रुक जाना। हे भैया, हमको फ्यूल कैन मिल गया। चलो भैया, उसको लेके यहां पे भर दे दे। ये रखा मैंने फ्यूल कैन, और भैया पाइप को ले लेते हैं यहां से। और मुन्ना ये रही पाइप, और मैं उसको यहाँ पे लगा दूंगा। और ये लग गई, और मुन्ना इसके अंदर पेट्रोल भी भर गया। हे भैया, पेट्रोल तो भर गया। चलो भैया, उसको लेके चलते हैं बोट के पास। और मुन्ना रुक जा, और सारे नेट का बच्चा इधर ही घूम रहा है। हे भैया, अब कैसे जाएंगे। और मुन्ना रुक जा, और मुझे देखने दे, और इसको जाने का इंतजार, उसके बाद में हम यहाँ से भाग लेंगे। हे भैया, अभी यहाँ से भागो यार। वो तो चला गया। और चल ठीक है मुन्ना, भाग ले, और तुम दबा के भागो, और दिल दबा के भागो। ओए हे भैया, मैं तो आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। और चल ठीक है, आओ मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। और मुन्ना, मगर ये किसकी आवाज आ रही है, और टूक टूक करके बोल रहा है, और मेरे कानों में दर्द कर रहा है। हे भैया, वो तो अच्छी आवाज है, मगर भैया इस सारे रेट की जब भी आवाज बजती है ना, तो मेरे कान फट जाते हैं भैया। और बिल्कुल सही बोला, और मुन्ना मेरे भी कान फट जाते हैं, और बड़ी तेज आवाज करता है ये। हे भैया, इसकी मदद से ही भैया ये बहुत सारे आदमी को मारता है, और भैया पूरा चबा जाता है, कच्चा चबा जाता है भैया। और बिल्कुल सही बोला। चल मुन्ना, और यहाँ पे फ्यूल को भर देता हूँ। हे भैया, फ्यूल कैन तो हमने भर दिया। चलो अभी स्टार्ट हो जाएगा क्या। और स्टार्ट नहीं होगा, और चाबी भी चाहिए। हे भैया, कितना बड़ा गेम है भैया, अभी तक चाबी नहीं ढूंढी हमने। और मिल जाएगी चाबी, टेंशन लेने की बात मत कर। और चल मुन्ना, और चाबी को भी ढूंढ के लाते हैं, और यहाँ से भाग लेंगे। हे भैया, चलो यार चाबी को ढूंढने चलते हैं। और मुन्ना, चाबी कहाँ होगी, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भैया, चाबी मिल जाएगी, बिल्कुल सीधे चलो भैया। और मुन्ना चल यहाँ से। आओ बिल्ले, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आओ ए, ये क्या भैया, गेम तो इधर ही खत्म हो गया। और दोस्तों, इसका आगे पार्ट टू आएगा, क्योंकि गेम बहुत ही लंबी है। ए, तो दोस्तों, आज का शाउट आउट जाता है इन सभी लोगों को। और मेरी तरफ से एक ही शाउट आउट रहता है, वो भी तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो वाला शाउट आउट। और दोस्तों, पार्ट टू जरूर आएगा। आओ ढक्के चक्के और हिचके हिचके, मेरी तरफ से दोस्तों आप सभी को एक बड़ा वाला शाउट आउट, मेरी तरफ से एकदम वर्ल्ड का बेस्ट शाउट आउट टू यू दोस्तों। तो कमेंट करना मत भूलिए। आओ मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।